सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, दुबई में चल रहे एशिया कप के मुकाबले में भारत की भिड़ंत हांगकांग से हुई है। हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और भारतीय बल्लेबाजों में शिखर धवन ने शतक जड़ा। अंबाती रायडू का अर्धशतक का योगदान रहा। 41वें ओवर में जब धवन आउट होकर पवेलियन जा चुके थे तब भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे। आज उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह शून्य पर आउट हो गए, किंतु खेल भावना के तौर पर वह आज के सुपरस्टार रहे। यह बात है खेल के 42वें ओवर की, जब धोनी अपनी तीसरी गेंद का सामना कर रहे थे और बोलिंग कर रहे थे एहसान खान। धोनी ने उस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलने का प्रयास करते हुए कैच हांगकांग के कीपर स्कॉट मकेचने के हाथों में थमा दी, पर इसकी भनक अंपायर को भी नहीं लगी। परंतु खेल भावना का सम्मान करते हुए धोनी बिना अंपायर के निर्णय का इंतजार किए खुद ही पवेलियन की ओर चल पड़े। यही उनकी महानता का जीता जागता सबूत है और दर्शाता है कि किसी भी स्थिति में वह अपने और खेल के ईमान के साथ समझौता करने वालों में से नहीं है। दोस्तों, क्या धोनी पाकिस्तान के खिलाफ कमल कर पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।